दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। जानलेवा कोरोना सदना के लिए अब काल से कम नहीं है। संक्रमित मरीज लगातार वायरस से दम तोड़ रहे हैं। जिले के लिए कोरोना इस कदर जानलेवा साबित हो रहा है कि रोजाना मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है और संक्रमितों की भी बाढ़ आ रही है। सत्ता में फिर 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 165 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 117 हो चुकी है, तो एक्टिव केस 1000 के पार हो चुके हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए जिले में 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक अति आवश्यक गतिविधियों में छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। बावजूद इसके लोग कर्फ्यू का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में सबक सिखाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग लगाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में परसमनिया चौकी प्रभारी मुकेश डोंगरे ने टीम के साथ रामपुर पाठा ग्राम में चेकिंग लगाकर बिना मास्क घूमने वाले 44 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 4400 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की। Now stop that and eat your breakfast. अरे अरे रिलैक्स डैड, ये बटर स्टिक है, मैंने बनाई है ताकि नाइफ यूज ना करना पड़े। एडिफाई स्कूल छतरपुर, एडमिशन ओपन नर्सरी टू ग्रेड 9th। कॉन्टेक्ट अस 9399496249। एडिफाई स्कूल, ब्लेड चौका, सागर रोड, छतरपुर।